नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ के धमड़ाची के पास कंटेनर और ट्रेलर के बीच हुई दुर्घटना में चालक को भारी जहमत के बाद निकाला गया था बाहर। बलसाड़ जिला के ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद परिणाम घोषित होते कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया। वापी तहसील में ग्राम पंचायतों के चुनाव में अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की विजय होती, समर्थकों में छाई थी खुशी की लहर। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ के धमड़ाची के पास कंटेनर और ट्रेल के बीच हुई दुर्घटना में केबिन में फंसे चालक को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बलसाड़ के धमड़ाची पीरोफलिया के पास कंटेनर और ट्रेलर के बीच हुई थी दुर्घटना। दहेज से NEG केमिकल भरकर सिलवासा की ओर जा रहे कंटेनर नंबर GJ16AU9425 की आगे चल रहे ट्रेलर नंबर GJ05CU4422 के चालक ने धमड़ाची पीरूफलिया के पास अचानक ब्रेक लगाते ट्रेल खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आते कंटेनर नंबर GJ16AV9425 के चालक गुलाम मोहम्मद राफिक हुसैन ने कंटेनर ट्रेलर के साथ टक्कर होते हुई थी दुर्घटना। दुर्घटना के चलते मुंबई सूरत हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। घटना की जानकारी बलसाड़ रूरल पुलिस को और 108 की टीम को मिलते तुरंत दो क्रेन की सहायता से ड्राइवर केबिन में फंसे कंटेनर चालक को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया था और घायल गुलाम को 108 एम्बुलेंस की सहायता से कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। साथ ही कंटेनर के क्लीनर का चमत्कारिक बचाव हुआ था। घटना में कंटेनर चालक को पैरों में चोटें आई थी। बलसाड़ जिले के 302 ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद 21 दिसंबर को सुबह से ही शुरू हुई मतगणना की प्रक्रिया में अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार विजेता होते, समर्थकों में छाई थी खुशी की लहर। तो वहीं दूसरी ओर खुशी तो कहीं गम का माहौल छाया हुआ दिखा गया। बलसाड़ जिले में 19 दिसंबर को 302 ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित होने के बाद 21 दिसंबर की सुबह से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होते ग्राम क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता का माहौल छाया हुआ दिखा गया। 6 तहसीलों में मतगणना प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी काउंटिंग सेंटरों पर 700 जितने कर्मचारियों को फर्ज पर तैनात किया गया था। बलसाड़ जिले के सरपंचों के चुनाव में कुल 71.04% मतदान हुआ था। सभी कर्मचारियों द्वारा बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी, साथ ही पुलिस पहरा भी सख्त तैनात किया गया था। उसी बीच जिसका इंतजार था वो खत्म होते मतगणना की शुरुआत होते कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया था। जिले के 302 पंचायतों के चुनाव में 300 सरपंच पद के बैठकों के लिए 815 उम्मीदवार और 2150 वार्ड सभ्यों के बैठकों के लिए 5200 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और एक के बाद एक ग्राम पंचायतों की मतगणना शुरू होते उम्मीदवारों और समर्थकों काफी उत्साह से परिणाम के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे। उसी बीच बलसाड़ के अटार गांव की चुनाव रसपद बनी थी। वार्ड नंबर 4 में वोटों की टाई होते चीट उछाली गई थी। वार्ड नंबर 4 में उर्मिला बेन, मनीष नायका और लक्ष्मी बेन प्रकाश भाई हड़पति दोनों उम्मीदवारों को 37-37 वोट प्राप्त होते दोनों के बीच हुई टाई में चीट उछालते उर्मिला बेन का विजय हुआ था। तो वहीं पाड़ी सांडपुर गांव के सरपंच के तौर पर धर्मेश उर्फ भोला पटेल की जीत हुई थी। जीत होते अपने अपने पसंदीदा सरपंच को पाकर समर्थकों में खुशी की लहर छा गई थी। जिला पंचायत के पूर्व कांग्रेस के विरोध पक्ष के नेता धर्मेश भाई सरपंच पद पर विजेता घोषित हुए थे। बलसाड़ तहसील का ये गांव महत्व का गांव माना जाता है। 1992 से गांव पर उनका ही वर्चस्व है। इस बार चुनाव में
थ्री विंग जंग खेला गया था, जिसमें धर्मेश पटेल का 1514 मतों से विजय होते उनके समर्थकों में खुशी का माहौल छा गया था। वापी तहसील में ग्राम पंचायतों के चुनाव में मतगणना के बाद अपने अपने ग्राम पंचायतों में पसंदीदा उम्मीदवार के विजय होते समर्थकों में छाई थी खुशी की लहर। बलसाड़ जिले के 302 ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित होने के बाद 21 दिसंबर को सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होते काउंटिंग स्थल पर सभी तहसीलों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल छाया हुआ दिखाई दिया था। तो वापी तहसील की बात करें तो वापी के छरवाड़ा ग्राम पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार को मिला सिर्फ एक वोट, सभ्य संतोष भाई हड़पति को मिला एक ही वोट, अपने परिजनों ने भी उनको नहीं दिया था वोट और सभ्य संतोष भाई की हुई थी हार। तो वापी मोराई ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार प्रतीक पटेल का हुआ था विजय। जीत को लेकर उनके समर्थकों में देखा गया था काफी उत्साह। तो वापी के कोचरवा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार राजेश भाई पटेल का हुआ था भव्य विजय। विजय होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई थी। वहीं दूसरी ओर उमरगाम तहसील में भी काउंटिंग स्थल पर उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो कि कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल देखा गया था। अपने अपने पसंदीदा सरपंच पद के उम्मीदवारों का विजय होते उनके समर्थकों में उनका पुष्प गुच्छों से स्वागत कर डीजे के सुरताल के साथ विजय उत्सव मनाया था। ग्राम पंचायत स्वापी छरवाड़ा इलेक्शन चुटनी वार्ड नंबर 5 कलियाला फरियो छरवाड़ा कलियाला फरियो मने एक मत मिलो से। अमरा वार्ड में टोटली 3 अमरा परिवार में तो एक्चुअली हूँ मैं ने मार छोकरो छे वाइफ छे त्रण जणा अमरा काका लोको छे उनो भी वोट छे ने वो तो कई कही नहीं सकूँ साहब। इलेक्शन है एट हमें लोगों की मर्जी पर चाले ने अपना इलेक्शन एट्ले मारी पत्नी तो खबर नहीं हमें मैंने पत्नी से। वापी तहसील के दे गांव में गांव के सभ्य पद के उम्मीदवार 16 दिसंबर से रहस्यमय तरीके से लापता होते परिजनों में फैली चिंता। वापी तहसील के दे गांव में रहते और वर्तमान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के सभ्य पद के उम्मीदवार रमण भाई हड़पति 16 दिसंबर से लापता होते परिजन चिंतित बने हैं। दे गांव में पिछले कई टर्म से सरपंच पद पर रहने के बाद इस बार चुनाव में महिला बैठक आने से रमण भाई हड़पति ने अपनी पत्नी को सरपंच के लिए उम्मीदवारी की थी और खुद 5 नंबर के वार्ड में सभ्य के तौर पर उम्मीदवारी की थी, जो 16 दिसंबर को दोपहर को किसी काम से वापी गए थे। वहां से वापस आते वक्त उनके दामाद उन्हें करवड़ तक छोड़ने आए थे और रमण भाई को रिक्शा में बिठाकर वो घर चले गए थे, जिसके बाद आज 5 दिन पूर्ण होने के बाद भी उनके परिजनों के साथ संपर्क नहीं हो रहा हो। चुनाव का माहौल हो अचानक रमण भाई लापता होते कई चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, जिसमें किसी ने अपहरण तो नहीं किया है न ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। दूसरी ओर उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रमण भाई के लापता होने से पिछले 2-3 दिनों से परिजनों के हालात बिगड़ गए हैं। समग्र घटना के चलते परिवार के सभ्यों द्वारा वापी डुंगरा पुलिस थाने में जानकारी देते पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। गौरतलब है कि अचानक 16 दिसंबर से मार्ग में से इस तरीके से लापता होते वो कहीं पे चले गए हैं या किसी ने अपहरण किया, इसके बारे में फिलहाल तो कई सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो इस बारे में बलसाड़ जिला SP राजदीप सिंह झाला घटना को गंभीरता से लेकर योग्य जांच कराए वो आवश्यक बना है। मारा पप्पा गुरुवार रात्र सांजे ना 6 वाग्या पछी ने घर नहीं आवेला। आज 5 दिवस थया एने कोई खबर नथी, क्या छे काई नहीं, कई खबर नथी आज सुधी। आ अंगे पुलिस स्टेशन मा जानकारी आपी छे तमे? हां आपेली, शुक्रवार अमे पुलिस स्टेशन मा जानकारी आपेली, फरियाद करेली छे, पर हजु सुधी कई खबर नथी तमने। એ અમને હજુ સુધી ખબર નથી, પણ અમે એટલું એ માનીએ કે અમારા પપ્પા સહી સલામત ઘરે આવી જવા જોઈએ, જે હોય તે
તો શું લાગે છે, ચૂંટણીની કોઈ અદાવત હોઈ શકે કોઈ સાથે કે પછી શું લાગે છે? તે હજુ અમે કંઈ કહી શકીએ નહીં, પણ અમને ખાલી એટલું ખબર છે કે અમારા પપ્પા અમારી સાથે અમારી ઘરે આવી લાગવા જોઈએ, બસ અમારી સાથે રહેવા જોઈએ બસ. મમ્મીની તબિયત ખરાબ જ છે, મમ્મી ખાવાનું પણ નથી ખાતી, પણ અમે સમજાઈ સમજાઈને ખવડાવીએ છે. સમાચારો કે અંત મેં આઈ એક નજર ડાલતે હૈ આજ કે મુખ્ય સમાચારો પે. बलसाड़ के धमड़ाची के पास कंटेनर और ट्रेलर के बीच हुई दुर्घटना में चालक को भारी जहमत के बाद निकाला गया था बाहर. बलसाड़ जिला के ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद परिणाम घोषित होते कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया. वापी तहसील में ग्राम पंचायतों के चुनाव में अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की विजय होते समर्थकों में छाई थी खुशी की लहर. दमन न्यूज के अब तक के समाचार. नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.